जन्माष्टमी हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस पर्व का खासा महत्व है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान को विष्णु जी का आठवां अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि को ही मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को ही हुआ था। हर साल व्रत की तिथि को लेकर कन्फ्यूज रहती है, वहीं इस बार जन्माष्टमी पर 10 साल बाद विशेष योग भी बना रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? बैद्यनाथ मंदिर के प्रसिद्ध तीर्थ 18 को बताया कि हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल 6 सितंबर को व्रत रखकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप नंद गोपाल की मध्य रात्रि में पूजा अर्चना की जाएगी। पुत्र की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के व्रत का खासा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि बुधवार के दिन हुआ था। वहीं इस साल जन्माष्टमी भी बुधवार को पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि बुधवार के दिन हुआ था। वहीं इस साल जन्माष्टमी भी बुधवार को पड़ रहा है। भादो मास की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर दिन बुधवार की रात 8:12 से हो रही है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर दिन बृहस्पतिवार की शाम 06:12 पर होगा, क्योंकि बाल गोपाल का जन्मोत्सव मध्य रात्रि को मनाया जाता है, इसलिए 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा।